पापा कसम सुनीली, आज हमें तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओ बोल दिया। अरे भैया जगा दिया, कितना बेजोड़ सपना देख रहे थे। अबे साले तो हम कोई टीवी सीरियल नहीं देख रहे, समझे? क्या सपना था भैया? शादी का मंडप था, हम थे, सुरीली थी। अरे दूल्हा आप ही थे क्या? आप और सुरीली भाभी फेरे ले रहे थे, लेकिन भैया मामा कभी दिख नहीं रहा था। अबे साले वो हमारे सपने में था यार। अबे एक मामा एक समय में दो सपने में कैसे दिख सकता है बे? और तो और, वो सपने में भी हमको सुरीली के सामने फटकने नहीं दे रहा था बे, अपने छाते से मार रहा था मैं। भैया तू वही छाता छीन के मामा को मारना चाहिए था। अरे सपने में कौन देखता भैया? अबे यार हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। तो तुम चुप कब थे भैया? अबे चुप करो साले, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपनी लव स्टोरी के बीच में मामा और मौसी को नहीं आने देंगे। गुरु हमारे दिमाग में एक बच्चा था और छिचोरा था आइडिया आया है, कल हम उसको अंजाम देंगे सुबह सुबह। जिया बेकरार है, आई बाहर है, आज जी नाश्ता तैयार है, बस आप ही का इंतजार है। जो फरमाइश किए थे वही है, दुई रोटी और एक कटोरी दही है। ये तो बहुत सही है, रोटी भी खुद ही बनाए हैं, दही भी खुद ही जमाए हैं। अरे तुम्हारे जैसी पत्नी किस्मत से पाए हैं। आदाब आदाब आदाब, हम हवलदार घड़ियाल पांडे हैं, थाने से आए हैं। थानेदार साहब मुकंदी को थाने बुलाए हैं। चुप बात, ये तो बड़ी खुशी की खबर लाए हैं। ए जी आज तक आप हमें थाने ना ही घुमाए हैं। भाभी जी आपका ही अपना है थाना, बस ये बताएं आपको कब है आना और हमें आपको चाट पकौड़ा कब है खिलाना। देखिए हमको दफ्तर जाना है, ना पहुंचने पे जुर्माना है, ये बताइए कि थाने क्यों आना है? अर्ज किया है इरशाद के साथ, अर्ज किया है इरशाद के साथ। ये किस्सा कोई 3 महीने पुराना है, एक मोची और नाई के झगड़े का अफसाना है। याद हमको वो किस्सा आया, उस रात जब मोची को नाई पे गुस्सा आया। उस रात जे बात दोनों के बीच में हो रही थी हाथापाई, तब इन्होंने ही बीच में आकर रोक दी थी लड़ाई। वाह 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 वाह, भाभी जी क्या यादाश्त आपने है पाई। उसी केस की है आज सुनवाई, इसीलिए थानेदार को हमारी याद आई है। सुना है जो भी थाने गया उस पे शामत आई है। बहुत हो गई छंद कविता, अब करूंगा उल्टी बात। सीधे सीधे चल थाने वरना पिछवाड़े पड़ेगी लात। क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पिताजी कहते थे। अरे क्यों आ जाते हो बार बार अपना मुंह लेके यहाँ, किससे मिलना है? पापा कसम सुरीली के सिक्योरिटी के लिए पूरा पुख्ता इंतजाम करे हो गुरु, ये घर कम बंकर ज्यादा लगता है साले। पहले तो दीवार खड़ी कर दियो, उसके पीछे खुद खड़े हो गए और तुम्हारे पीछे बुढ़िया मौसी खड़ा कर दियो साले। आए ये 3 टायर सिक्योरिटी बना लिए बे, और हम तीनों को कोई पार भी नहीं कर सकता। अच्छा तो इधर सुनो गुरु, जो प्यार करते है ना वो पार भी कर लेते हैं, समझे कि नहीं? आज बेटा हम सुरीली से नहीं, तुमसे और मौसी से मिलने आए हैं। अरे मिलने तो पिताजी जाया करते थे। ए बिजी का हो रहा है यार, चलो भागे यहां से। चलो प्लीज साइलेंट, इतना मत चिल्लाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक सेकंड सुरीली, पापा का सब आज हम तुमसे नहीं तुम्हारे घर वालों जरूरी बात करने आए हैं। बोलिए। हमें कोई बात नहीं करनी है, चलो भागो यहां से। झाड़ू देखा है और ये छाता देखा है डंडे जैसा? हां डंडे तो अब तुम दोनों पड़ेंगे बे। अजीबगंज के नाम सुने हो? अजीबगंज कैसी अजीब बातें कर रहा है? हाँ। अरे अजीबगंज में तो हमारी ननिहाल है। हाँ। आज से 20 साल पहले हम और दीदी वहाँ जाया करते थे। हाँ, हम दोनों मैं और छोटू खूब शरारत किया करते थे। बंद करो गुरु तलवारबाजी, अब हम बहुत अजीब सी बात बताने वाले हैं।
आप लोग अजीबगंज में शरारत किया करते थे और लोग आपकी शिकायत किया करते थे थाने में जाके। हाँ, थाने में। अरे थाने में तो पिताजी जाया करते थे, लेकिन अब उनके बच्चे जाएंगे। आइए, पापा कसम अजीबगंज से दरोगा साहब आए थे लापतागंज आप दोनों की फोटो लेके। हमने पूछा ये क्या, तो कहने लगे इन दोनों ने संगीन जुर्म किया है। अबे संगीन जुर्म का मतलब समझते हो? रोक लो, कैसे समझोगे, ला तो हमें इतना पढ़े नहीं हो। लॉ लॉ बतावेगा तुम मन है, नाई और मोती के झगड़े में तू चशमदीद गवाह है कि नहीं? है है। हाँ। लेकिन थानेदार साहब, जब वो दोनों उसी दिन सुलह करने पर राजी हो गए थे तो फिर केस कैसा? चोरी के हम पुलिस वालों के होते हुए लोग आपस में सुलह करने लगेंगे, ये कहाँ का कानून बता रहे तू? एक चोरी के अब तो ये केस खुल चुकी है और तब तलक बंद नहीं होएगा जब तलक के अपराधी ने सजा मिल नहीं जाती। और अपराधी कोई भी हो सके भाई, मोची नाई या फिर तू है? अरे हम का है, झगड़ा रोक कर चौधरी बनने की क्या जरूरत थी? है क्या जरूरत थी, आंखें बंद करके ना चल सके था? हाँ ये बात भी सही है, जब पूरा देश जो है आंखें बंद करके चल रहा है तो हमें आंखें खोल कर चलने की क्या जरूरत है? अरे कुछ समझ आई तेरे? अब हम चले क्या, दफ्तर जाना है। अर्ज किया है इशाद के साथ, जब तलाक ना हो केस की सुनवाई, सुन ले भाई, तब तलक तुम जा नहीं सकते मेरे भाई। गुरु याद करो क्या क्या कांड किए थे तब, आपसे भी कह रहे हैं। अरे हाँ, हम आम चुराते थे। हाँ। मैं पेड़ से लटक के आम तोड़ता था और दीदी की ओर फेंकता था। हाँ, अभी जी आम तोड़ना संगीन जुर्म है का? हाय पापा कसम, जरा सा इनका वजन देखिए, पेड़ बाहर निकलता चला आ रहा है। पेड़ के ऊपर चढ़ते होंगे आम तोड़ने के लिए, तो आम नहीं टूटता होगा, पूरा का पूरा पेड़ टूट जाता होगा। और वैसे भी मामा, आजकल पेड़ तोड़ना संगीन जुर्म है। अरे आजकल है ना, हम तो 20 साल पहले तोड़ते थे। अबे तो 20 साल बाद आज भी आम खाते हैं कि नहीं खाते लोग? अभी 20 साल आम तो पिताजी खाया करते थे। चुरा के? अबे पापा कसम यार, पूरी पूरी फैमिली आम चोर है बे। और काम चोर भी, क्योंकि काम तो हमने कभी किया ही नहीं। अब करना पड़ेगा हवालात में जब पकड़े जाओगे। एफ जी, मेरे बच्चा कुछ करो बेटा, कुछ करो। देखो हमने कर दिया है पापा कसम, हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, हमने दरोगा जी को गुमशुदागंज की तरफ भेज दिया। अच्छा चलो पला टली, चलो चलो। अरे अरे मौसी टली नहीं है, डीले हुई है, वो भी टेम्पररी, परमानेंटली जुगाड़ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना बेटा, वो क्या कहते हैं, तुम 10 साल से कर रहे हो, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो ला कर रहे हो वो झोंक दो और उपाय निकालो। निकाल लिया, अज्ञातवास। अज्ञातवास? हाँ वे, जैसे वनवास होता है ना वैसे ही उसका छोटा मॉडल अज्ञातवास होता है। जब तक दरोगा जी वापस नहीं चले आते, आपको अपने घर से बाहर किसी और सेफ जगह पे रहना होगा। लेकिन ऐसी जगह है कहाँ? अबे है बे, हमारा घर। पापा कसम दरोगा जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। ये सही है, मैं सुरीली को बुला के लाती हूँ। सुरीली? अरे सुरीली काहे बुला रही है, सुरीली ने थोड़ी ना आपकी तरह आम चुराया है, जो भागती भागती फिरेगी, वैसे भी भागते भागते कभी भी आप पे फायरिंग हो सकती है। फायरिंग? हाँ। फायरिंग तो पिताजी किया करते थे, वो भी डंडे से। तो सुरीली को इंदु को यहाँ छोड़ आते हैं, हम इंदु को बुलाते हैं। तो अरे सुनिए काहे परेशान कर रही है, टाइम नहीं है, जल्दी चलिए, दरोगा जी कभी भी यहाँ आ सकते हैं, मुंह ढकी है भाई, चलिए हमारे साथ। चलो जी, सब ठीक होगा ना? एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपने हमको तो बुलवा लिया लेकिन वो नाई और मोची कहाँ है? झगड़ा तो उन दोनों के बीच में हुआ था ना? अबे ओए छोरी के, वो दोनों दुकान से लाते हैं, दोपहर के बाद ही फ्री होते हैं, तेरी तरह सरकारी मुलाजिम ना है कि सुबह सुबह थाने में आके बैठ जाए और मेरे साथ थानेदार के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता खेल लें। ये है मोची, ये है नाई। सुना है दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। इसकी दुकान चलती है तो अपनी दुकान चलती है। सुनो, रिश्वत देना और लेना
जुर्म है। अगर इंस्पेक्टर रिश्वत मांगे ना तो देने से साफ साफ मना कर देना, समझे? ये दोनों तो दे देंगे, मुकुंदी का क्या लगता है, देगा? मुकुंदी घूस देगा? ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर बैठा ईमानदारी का जिन है। अरे देखेंगे छोरी के, वो ज्यादा ईमानदार है या हम ज्यादा बेईमान है। जब रोज थाने का चक्कर लगेंगे ना तो अपने आप देगा। आइए, वेलकम मामा, वेलकम मौसी, क्या बात संभल के। पापा कसम ये हमारा घर है और आप दोनों हमारे घर को अपना घर समझिए और हम आप दोनों के घर को अपना घर समझ के सुरीली के पास जाए। कहाँ जा रहा है तू? अब हमारा मतलब ये है कि हम सुरीली को इंदु भाभी के पास छोड़ के आते हैं, और याद रहे आप दोनों के पीछे पुलिस पड़ी है, समझी कि नहीं? और तुम सुरीली के पीछे लगे हो? एक मिनट भाई, ये हम कैसे मान लें कि अजीबगंज का दरोगा हमें ढूंढते हुए लापतागंज तक पहुंच गया है? हाँ, ए बच्ची, तुम्हारे पास वो है का? वो क्या? वो जो वो क्या कहते हैं उसे, वो जो साबित करने के लिए देते हैं, वो सबूत है का? पापा कसम बताइए, कलयुग आ गया है, वो भी घोर कलयुग, अपने अपनों से सबूत मांगते हैं। ओके ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना? सबूत? पापा कसम, खिड़की खोलते ही आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। आइए, कहिए तो इन जनाब को चाय पानी के लिए बुला लें? अरे नहीं 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 नहीं, ओके तो ठीक है, फिर आप लोग यहीं रहिए, हम होके आते हैं। ओके जाओ जाओ जाओ। ए जी। ओ जी, बड़ी देर कर दी, थाने माही दफ्तर खोल दिए का? अरे हम का दफ्तर खोलते, उल्टा थानेदार ने हमारी फाइल खोल दी। हाँ? कहने लगा कि झगड़े के चश्मदीद गवाह तुम हो। हाँ? जैसे गवाह होना गुनाह हो। हाय दया, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, झगड़ा भी आप ही रोके और चपेट में भी आप ही आ गए। अब कल फिर थाने जाना पड़ेगा। हाँ? हाँ। अबे यार, कहाँ रह गए थे गुड्डू साले? शाम से रात हो गई तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे भैया, जलेबी लेने में जरा टाइम लग गया, सुत्ती लाल की दुकान से ले नहीं सकते थे ना, पहचान जाता, इसलिए गुमशुदागंज से लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे भैया, पुलिस की वर्दी हो तो पैसे की क्या जरूरत? पापा कसम, वर्दी पहनते ही जो है औकात में आगे गुरु। भैया, कानून पे हाथ उठाना जुर्म है। अबे इधर सुनो, अगर तुम कानून हो तो हम कानून के स्टूडेंट है, समझे? 10 साल से ला कर रहे हैं और तुम्हें अभी 10 घंटे भी नहीं हुए, समझे कि नहीं? अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार पापा कसम यार, पहली बार ऐसा हुआ है बड़े भाई कि मामा और मौसी हमारे घर पे और हम सुरीली के घर पे। बे सुरीली, मी एंड हम। तुमको क्या मजा आएगा भाई, ऐसा ले मारेंगे क्या तुमको, समझे कि नहीं? जलेबी दे जल्दी, जलेबी दिया, ये लो भैया। सेंट कहाँ है? सेंट सेंट सेंट। अबे यार गुड्डू, कितनी बार किया, ऐसे बगल में मत डाला करो चीजों को यार, बदबू आती है। भैया हो तो गया, खोलो उसको। ओके। अरे भैया, ये क्या करो, जलेबी पे सेंट? अबे यही तो है बे फ्लो, तुम नहीं समझोगे, रोमांटिक सीन्स बनते हैं बे इससे। पकड़ो एक सेकंड। हाँ। सोचो। हाँ। ये जलेबी हम सुरीली के होटल तक ले गए और खाने से पहले उसने सूंघ लिया तो अबे सेंट मानना पड़ता है ना। अरे भैया, फिलहाल तो सेंट की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। अच्छा, देना जरा। साले ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे साथ रह रहे के साले बदबू मारने लगे हम। ओके ओके। अबे इधर सुनो, तुम कहाँ चले आ रहे बे? अरे भैया, कानून कहीं भी घुस सकता है। अबे साले अंधे, कानून देंगे लपड़, जाके डिलाइट सिनेमा में बैठो, वहीं मिलेंगे तुमको, समझे कि नहीं? वहीं बैठे रहेंगे। हे हे, अरे भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात ना भूली, सुरीली आई लव यू। यार सुरीली तो कोई यार, इतने प्यार से हम तुम्हारे लिए जलेबी में चंड मार के लेके आए और तुम होंगे रोमांस की जगह राक्षसों को याद कर रही यार, ये बात अच्छी लगी तुम्हारी में? तुम कहना ये चाह रही हो कि खड़े खड़े तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है, कोई बात नहीं, बैठ के लव टॉक करते हैं। मायो, 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 मायो,
हम समझ रहे सुरीली, देखो टेंशन मत लो, मामा और मौसी को बहुत सेफ साइड हमने रख दिया है, बिल्कुल सेफ है या। आओ चलो मायो, माँ एक माँ मायो वाह हमारे पास है, सेफ है। मायो क्यों चिल्ला रही हो, झूले बैठो और झूला झूला। देखो सुरीली तुमको एक बात बता रही, पापा कसम सुरीली ये रात हमारी जिंदगी में पहली बार आई है यार। तुमको मालूम है ऐसी रात 1 करोड़ साल पहले आई थी। ऐसा कहते हैं कि इस रात में जब दो जोड़ा जोड़ी यानी लवर एक साथ रहते हैं ना, तो 7 जन्म तक साथ साथ रहते हैं। ओ शर्मा सी गई और लपटॉक करे मैं मामा मैं यहाँ। अब हम पहुंच गए सुरीली, तो हमारी बहुत चिंता है, खा लेंगे खाना बाद में खा लेंगे यार। अरे यार देखो देखो तुम्हारी मायो और मामा को खाना खिला देंगे बाद में यार, अभी लव टॉक करते हैं। मम आया मम मायो मामा। ओ यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि हम मामा और मौसी को खाना खिलाएंगे उसके बाद तुम हमारे साथ लव टॉक करोगी? सच्ची? ओ ओ खाओ मैं टकले कसम। अरे अरे यार टकले कसम खाने को ये नौ का नुकनी का दरवाजा समझ लिया यार तुमने। ओके तो तुम जाओ खाना तैयार करो और हम लव टॉक करते हैं। ओके जल्दी। ये कौन है? अरे वो है नहीं। अरे है नहीं क्या ताका जा। पापा कसम दरोगा बाहर ही टहल रहा है आप लोगों से मिलने के लिए, कहिए तो बुला लेते अंदर ही। नहीं जी नहीं, हम वही देख रहे थे दरोगा जी है। चल लीजिए आप लोगों के लिए खाना लेके आए, ठूक लीजिए। भगवान मेरा भला करे बेटा, भूख लगी थी। आप लेके आए 200 रुपए पड़ा है, स्वाद दीजिएगा स्वाद दीजिएगा। लपड़ मारेंगे, ये सुरीली के हाथों बना खाना है सुन के पता चल गया है हमें। है मतलब सुरीली घर पर है और अकेली पापा, हम वही हम इंदु भाभी के पास छोड़ने ही जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे अरे दीदी जल्दी से कोई रस्सी ढूंढो। अरे इस लौंडे की कोई चाल है जल्दी लाओ। ए बिच्ची तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुरीली को अकेले छोड़ दिया है। आराम प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो हमको प्लीज, देखो हमने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है। चलो चलो चलो। भूल गया सब कुछ पापा कसम, याद नहीं अब कुछ। ओ सुरीली पांडे। आज तो घड़ी कमाई होली। अर्ज किया है इरशाद के साथ फोट। हाथ का मैल है पैसा, थोड़ा हमें भी दे दो, एतराज कैसा। अबे फोट अबे अबे छुरी के इलाके का थानेदार कौन है? आप तो फिर ये कौन है? ये जरूर कोई फ्रॉड है, पकड़ साले पकड़। चल बे अबे चल भैया भैया। सुरीली को हासिल करने के लिए चली है बिजी ने एक चाल, देखते हैं बिजी पांडे को अपनी इस चाल पे कितना होगा मलाल।